अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ रिजल्ट्स के बारे में। जब भी हम कोई काम करते हैं उसमें हमें कोई नतीजा नहीं मिलता, कोई रिजल्ट्स नहीं मिलता, तो हम उस काम को छोड़ देते हैं। दरअसल देखा जाए तो उस चीज़ में हमें छोटे छोटे नतीजे मिलते हैं, छोटी छोटी रिजल्ट्स मिलती है, उसके होते हुए भी हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करते और हम अपने काम को छोड़ देते हैं। और इसी हवाले से मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। आई होप आप ये वीडियो इन्जॉय करेंगे। किसी जंगल में एक नन्ही सी चूंटी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। चूंटी जो नन्ही सी चूंटी थी वो तो अपने घर में रहती, उसकी बूढ़ी माँ डेली जाती थी अपने खाने की तलाश में। वो आपने देखा ही होगा, चूंटियाँ जब क्या करती है, अपने खाने के जो दाने दाने होते हैं उनको जमा करके रखती हैं। जब सर्दियों की सीज़न आती है या बारिश की सीज़न आती है तो उसे घर में बैठ के खाती है। इसी तरह उसकी माँ डेली जाती थी खाने को तलाश करने के लिए या छोटे छोटे दाने को तलाश करने के लिए। एक वक्त आया कि उसकी बूढ़ी माँ बीमार हो गई और उसमें खाने तलाश करने की अब हिम्मत नहीं रही थी। तो वो अपनी नन्ही सी चूंटी को कहती है कि आप जाओ और खाना तलाश करके आओ, या छोटे छोटे दाने हैं वो तलाश करके आओ। वो नन्ही चूंटी एक दिन उठती है सुबह और जाती है खाना तलाश करने के लिए, मतलब वो छोटे छोटे दाने अपने लिए तलाश करने के लिए। वो जाती है, शाम तक वापस लौट के आती है और कुछ दाने लेके आती है अपने साथ। लाके अपनी माँ को कहती है कि मुझसे अब ये खाना तलाश नहीं होता, मैं ये काम नहीं करूँगी। लेकिन फिर भी उसकी माँ उसके ऊपर जोर रखती है कि उनको फोर्स करती है कि तुम जाओ, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब जल्दी सर्दियाँ आने वाली है, हम खाने के लिए कहाँ जाएंगे, हमें अपने घर में बैठ के ही खाना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें जाना होगा, दाने तलाश करने होंगे। ठीक, लेकिन फिर अगले दिन जाती है, वो देखती है कि उसी जगह पे एक चूंटियों का मेड़ लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है। वो जाती है वहाँ पे, देखती है कि उनको रोटी के छोटे छोटे टुकड़े पड़े होते हैं उस जगह पे। वो देखते हैं कि छोटी जो चूंटियाँ होती हैं वो छोटे छोटे दाने लेके जा रही होती है, और एक बड़ी चूंटी होती है जो उसके साथ बड़ी चूंटियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, बड़े बड़े दाने अपने साथ लेके जा रही होती हैं। वो देखती है, देखो वो जो छोटी चूंटियाँ आती हैं वो फास्ट मूव कर रही थी, और जो बड़ी दाने लेके जा रही होती हैं जो बड़ी चूंटियाँ, वो आराम आराम से चल रही थी क्योंकि उनके पास बड़े दाना होते हैं। वो ये सारा कुछ देख रही होती है, वो कहती है कि काश मैं भी ये बड़े उठा के लेके जाऊँ, जल्दी जल्दी अपना खाने को भर दूँ, खाने का जो ढेर है उसको जमा करके भर दूँ। तो फिर वो भी क्या करती है, एक बड़ा सा पीस काटती है और उसे दाने उस बड़े के दाने को लेके जाती है। लेकिन जब उसे थोड़ा आगे लेके जाती है वो थक पड़ती है, वो कहती है मुझसे नहीं होता। लेकिन इतने में एक और बड़ी चूंटी आती है, वो उसे कहती है कि तुमने ये बड़ा उठाया तो मैं इसे नहीं कर सकती। वो कहती है मुझे जल्दी से अपना जो खाने का खजाना है वो भरना है, दाने का ढेर लगाने, ताकि जल्दी से सर्दियाँ आने वाली हैं। तो वो बड़ी चूंटी उसे कहती है ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम्हारे जो छोटे छोटे दाने उठाती हो वो मेरे घर छोड़ो, और मैं क्या करूँगी, जो बड़े बड़े दाने होते हैं वो आपके घर छोड़ो उनकी। ठीक, इसी तरह उनका सिलसिला चलता रहता है। वो छोटी चूंटी उनके घर छोटे छोटे दाने छोड़ती है, और जो बड़ी चूंटी होती है वो बड़े दाने उसके घर जमा करती है। लेकिन ठीक है, इस तरह कुछ वक्त गुजरता रहता है। हर घर एक ऐसा वक्त आता है कि वो खाने की तलाश छोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत सारा खाना ढेर कर लिया है। और इसी तरह ठीक है, अब सर्दियाँ आ गई होती हैं और वो छोटी चूंटी अपने घर में ही रहती है, उसके बावजूद वो देखती है कि वो देखती है कि उसका खाना तो पूरा ही मिल गया है। छोटी चूंटी बड़ी चूंटी के घर आती है और उसे कहती है, उसकी माँ को कहती है कि मैं आपकी ये छोटी चूंटी से नन्ही चूंटी को अपने घर लेके जाना चाहती हूँ। वो उसे वहाँ लेके जाती है और उसे अपना खजाना दिखाती है। वो दिखाती है ये देखो, ये जो खजाना पड़ा हुआ है ये सारा तुमने छोटे छोटे दानों की मदद से ये ढेर लगाया है, और जो तुम्हारे घर जो खजाना पड़ा हुआ है वो तो इसके मिकदार में बहुत कम है, क्योंकि वो मैंने बड़े बड़े दाने किए थे। अब इस लेसन से हमें ये मिसाल मिलता है कि समाल जो छोटे छोटे रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं वो हमें दिखा ही नहीं देते, क्योंकि हम कहते हैं ये छोटे रिजल्ट इसका क्या फ़ायदा। या आप कोई भी ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कुछ भी ऐसा स्टार्ट करते हैं तो उससे हमें लगता है कि हमारे को रिजल्ट्स नहीं आ रहे या उसमें से अर्निंग कम आ रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो वो छोटी छोटी चीज़ होती है, वो छोटी छोटी चीज़ ग्रो करके बड़ी हो जाती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी कोई काम स्टार्ट करना चाहिए उनकी वेट करना चाहिए, उसको टाइम पीरियड देना चाहिए, 6 माह 8 माह 10 माह या जितने भी पीरियड चाहिए। छोटे छोटे रिजल्ट्स होते हैं क्योंकि वही तो एक कलेक्ट होकर बड़े रिजल्ट्स बनते हैं। कोई भी किसी का भी बैंक अकाउंट यहाँ से यहाँ तक एक दिन में नहीं गया, उन्होंने मेहनत की, उनके छोटे छोटे रिजल्ट्स आई, उसको इम्प्रूवमेंट करते गए और उसी हवाले से उनका बैंक अकाउंट भरा, या कुछ भी या किसी भी चीज़ में उनको वैसे ही रिजल्ट्स मिले। तो इसी हवाले से आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो और ये मिसाल भी समझ में आया हो। मिसाल थोड़ा टिपिकल था लेकिन आई होप कि आप समझ ही गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें। आई होप यू एंजॉय वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।